गाइस, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वीट की वैक्स स्ट्रिप्स। आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इसका अगर परचेज लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन आजकल सारी की सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं वो कुछ भी सेल नहीं कर रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सब कुछ बंद है। तो और यार, लॉकडाउन की वजह से ना बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन को भी, तो हाथ पे, पैर पे, फेस पे, अपर लिप, आईब्रोज, हर जगह बहुत ही ज़्यादा हेयरी हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है ये यूज़ करने का, क्योंकि मेरे को अपर लिप्स इस टाइम बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और मेकअप भी अच्छा से ठीक से खिल के बाहर नहीं आ रहा है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं वैक्स यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पर। तो अपर लिप वाला एरिया मैं वैक्स करने वाली हूँ, और यहाँ पर चिन पर थोड़े थोड़े मेरे हेयर है वो भी मैं वैक्स करने वाली हूँ। तो आइए आप जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। नाउ मूव ऑन टू वीडियो। तो गाइज, ये है वीट की वैक्स स्ट्रिप, और इसके अंदर 20 वैक्स स्ट्रिप होती है। एक स्ट्रिप पे दो होती है, यानी कि दो ऐसे चिपकी हुई होती हैं। आप उसको खोलेंगे तो वो दो बन जाएंगी, और इसमें से एक मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है। तो इस टाइम इसमें है 9, यानी कि 18 स्ट्रिप्स इसके अंदर होंगी। और ये लीफ आती है, इस पर इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही है ये परफेक्ट फिनिश वाइप्स। तो ये जो वाइप्स हैं ये हमें आफ्टर वैक्सिंग यूज करने हैं, बट मैं इसको फेस पे बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगी। तो ये हैं वीट की स्ट्रिप्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें एक के अंदर दो हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और इसमें एक के अंदर दो हैं, तो ये 20 हो गई, और एक स्ट्रिप मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। तो ये जो मेरी वैक्स स्ट्रिप है ना, ये है आमंड ऑयल और कॉर्न फ्लावर सेंट। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, तो मैंने ये वाली ली है। और इसका प्राइस मुझे इस टाइम याद नहीं है। बॉडी और लेग्स पर इसको कर सकते हैं, फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए है। ये यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है इसलिए मैंने ये ली है। और आप इसको हाथ पे, पैर पे, कहीं पर भी जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज ना मैं ये फेस पर यूज़ कर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो फेस पर ये पूरी तो लगेगी नहीं, यानी कि अपर लिप एरिया में कम्प्लीट तो लगेगी नहीं। तो इसको हम कर लेते हैं अभी कट। मैं इसको कट करने वाली हूँ ताकि बस इतने पोर्शन में मैं लगा सकूँ। तो अभी ये मैंने कट कर ली है, ये वाला पोर्शन जस्ट अपर लिप एरिया के लिए काफी रहेगा। तो हमें ये रब करनी है ताकि ये थोड़ी सी वार्म हो जाए और इजीली अप्लाई हो जाए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये हेयरी हुआ हुआ है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये हेयरी है। तो अभी मैं इस पर लगाने वाली हूँ स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप है जो मैंने हटाई थी, अब मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने अपर लिप पर। और मेरे हेयर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लूंगी। तो आई एम सॉरी गाइज, मेरा तो फोन ही गिर गया, मैंने ज्यादा ही जोश दिखा दिया और मेरा जो ट्राइपॉड था उससे मेरा हाथ लग गया। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हेयर रिमूव इससे हो, मेरे हेयर रिमूव इससे हो चुके हैं, बट ये वाला जो पोर्शन होता है ना लिप्स के पास वाला, यहाँ पर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ था। और इस पर थोड़ी सी ना लिपस्टिक भी लग गई है, तो मैं पहले लिपस्टिक रिमूव कर देती हूँ, उसके बाद इसको फिर से अप्लाई करूंगी। दिस इज सो गुड यार, मेरे सारे बाल निकल गए। एक दो रह गए हैं जहाँ पे मैंने ठीक से अप्लाई नहीं कर पाई। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इस पर मेरे हेयर कितने निकले हैं। तो गाइज, ये आप देख सकते हो कि ये सारे मेरे हेयर हैं अपर लिप के, क्योंकि मेरी फुल ग्रोथ हो रखी थी अपर लिप्स की, इसलिए ये एक ही बार में निकल चुके हैं। अब इस वाली साइड से ना मैं दूसरी वाली साइड के करने वाली हूँ, तो अब देखते हैं कि दूसरी वाली साइड पर भी क्या इफेक्ट आता है। Thank you.
काफ़ी सारे हेयर निकल गए, बट थोड़े से ना इधर अभी भी रह गए हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे कितने हेयर निकले हैं। तो ये अभी आप देख सकते हो कि मेरे कितने सारे हेयर निकल चुके हैं दोनों साइड के, ये देखिए। तो ये सारे के सारे ना मेरे अपर लिप के हेयर हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब तक हमारी फुल ग्रोथ नहीं होगी ना, तब तक ये निकलेंगे नहीं। और आप देख लो कि यार कितनी हैवी ग्रोथ मुझे अपर लिप्स पर आती है। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि क्या पेन हुआ, तो हाँ यार पेन तो हुआ, बट अपर लिप्स जो हम थ्रेडिंग से करवाते हैं ना उससे कम हुआ, क्योंकि एक ही बार में सारा का सारा खिंच गया तो उससे कम हुआ। थ्रेडिंग में यार बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अब ना मैं सेंटर वाले पोर्शन में अप्लाई कर रही हूँ। मेरे भी निकालिए। मेरे सारे के सारे अपर लिप हेयर निकल चुके हैं और मैं परेशान हो रही थी कि इतने इतने ज़्यादा हेयर आ रहे हैं और मेरे को पार्लर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियोस में भी ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, बहुत ही गंदा लगता है। और मेरे सारे के सारे हेयर रिमूव हो गए। बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं इस वाली चीज़ से। मतलब जिसने भी बनाई है ना, बहुत सही चीज़ बनाई है, एक बारी ला कर रख लो। और ये अनवांटेड हेयर्स के लिए ये वाले अब मैं डेफिनेटली ना अपनी आईब्रोज भी इससे ट्राई करने वाली हूँ। बेस्ट है, मुझे बहुत सही लगा। और इसका प्राइस इसके ऊपर लिखा हुआ है 190 रुपीज़, बट डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा ज़रूर। मेरे को लिए हुए भी थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो ये 190 की नहीं, अराउंड 150 की आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। तो मेरी तरफ से ना इस वाली वैक्सिंग स्ट्रिप को थम्स अप, बहुत बेस्ट है यार। लॉकडाउन में तो ना इसने मतलब लाइफ सेवर हम जिसको बोलते हैं ना, वो वाला काम कर दिया। अपर लिप पूरे रिमूव हो गए और ये पूरी की पूरी कंप्लीट बच भी गई है। मैं आईब्रोज ट्राई करूंगी अब इससे डेफिनेटली, जो मेरे अनवांटेड आ रहे हैं इधर उधर बाहर। ये आप देख सकते हो कि ये कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये मैं पक्का पक्का ट्राई करने वाली हूँ इससे। तो गाइज मुझे तो ये बहुत सही लगी। तो ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ना स्टिकी स्टिकी सा रह गया है, ये आपको वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने के बाद ये रिमूव हो जाएगा इजीली। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको ना अपने यहाँ वाले चिन वाले पोर्शन पर भी अप्लाई कर लूँ। बहुत ही हार्ड हेयर थे चिन पर, बट ये सारे के सारे निकल गए। दो चार ही होते हैं चिन पे, ज़्यादा नहीं होते, बट ये सारे के सारे एक बारी में निकल गए। चीक्स पे ना थोड़ा पेनफुल है ये। तो ये आप देख सकते हो कि कितने सारे हेयर मेरे निकले हैं फेस पे से, और ये जो मोटे मोटे हैं ना, ये चुभते हैं। मैंने जस्ट इनके लिए इसको अप्लाई किया था, बट यार मतलब इतना बुरा हाल हो गया है सीरियसली, घर में रह रह के लॉकडाउन के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा। और ये वो स्ट्रिप्स हैं जितनी मैंने अभी तीन यूज़ की है ना, तीनों की तीनों स्ट्रिप हैं ये। तो गाइज़ जो वीडियो की एंडिंग थी वो वाली फुटेज मुझसे डिलीट हो गई गलती से, बट मुझे ओवरऑल वीट की रेडी टू यूज़ वैक्सिंग स्ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप इसको अपनी पूरी बॉडी पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। और आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट कर कर ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।